जीवन में अभय चाहते हो। अभय का मतलब है कि जो मृत्यु से भी न डरे, जो मृत्यु का भी स्वागत करने के लिए तैयार हो जाए। यदि ये स्थिति अपने जीवन में चाहते हो तो तीन काम करना। कौन कौन से काम? श्रवण, कीर्तन और स्मरण। कौन कौन से काम? कौन सा? श्रवण, दूसरा कीर्तन, तीसरा स्मरण। राजा श्रोत तस्मात भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चित्ताभयम्। राजा मृत्यु से तो ये अभय होना चाहते हो, व्यक्ति यदि मृत्यु से अभय होना चाहे तो तीन काम व्यक्ति करे। सबसे पहले श्रवण करे, फिर कीर्तन करे और फिर स्मरण करे। श्रवण क्यों जरूरी है? क्योंकि बिना सुने हुए आपको ज्ञान नहीं होगा और जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक आपका प्रेम नहीं होगा। मानसरोवर कैलाश आप लोग गए हैं? कई लोग है ना, कई लोग गए हैं। आप सीधे चले गए या पहले आपने उसके विषय में सुना? पहले सुना तब तो आप गए ना वहां। बहुत कठिन यात्रा है कैलाश की, और व्यक्ति अपने जीवन को दांव पर लगा करके वो कैलाश की यात्रा करता है। कब करता है? जब वो सुनता है। आप लोगों ने जिन्होंने यहां पर नहीं सुना है वो कैलाश जाने की सोचेंगे नहीं ना? आप जो यहां पर और लोग बैठे हैं जिन्होंने कैलाश और मानसरोवर का नाम नहीं सुना है वो कैलाश मानसरोवर जाने का सोचेंगे नहीं सोचेंगे? कौन सोचेगा? जिसने सुना है। परमात्मा को भी जानने की इसकी इच्छा होगी जो परमात्मा के विषय में सुनेगा। इसलिए श्रवण। हमारा उपनिषद कहता है, वेद कहता है, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यः। सबसे पहले श्रवण करो। जाने बिना होई परतीति, बिन परतीति होई नहीं प्रीति। जब तक सुनोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा, जब तक पता नहीं चलेगा तब तक आपका प्रेम नहीं होगा, और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए राजा सबसे पहले श्रवण करो। सुनवाई जो आप लोग यहां पर कर रहे हैं ये पहली सीढ़ी है। तीन सीढ़ियां हैं, उसमें सबसे पहले श्रवण है। और उसके बाद क्या करना चाहिए? कीर्तितव्यस्य, कीर्तन करना चाहिए। जो आप लोगों ने रात में किया था कीर्तन, किया था ना? बहुत सुंदर। कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन का मतलब जो आप लोग ये करते हो ये भी कीर्तन है। बाबा तुलसी ने जीवन में बहुत कुछ लिखा और अंतिम में उन्होंने एक दोहा लिखा, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं लिखा। अंतिम बात तो बाबा तुलसी की, जो अंतिम बात तुलसी ने, बाबा ने तुलसी ने लिखी है। तुलसी कहते हैं, लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए। लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा चाहो तो राम नाम। यदि अपना उद्धार करना चाहते हो तो आपको भगवान नाम लेना चाहिए, कीर्तन करना ही चाहिए। कीर्तन के विषय में हमारे कई संतों ने लिखा है। हल्दी होती है ना, हल्दी की गांठ होती है, उस हल्दी को यदि आप रंग प्राप्त करना चाहो तो आपको बिना रगड़ी मिल जाएगी रंग, रुख से रंग हल्दी को रगड़ना पड़ेगा। उसी तरह से राम नाम भी एक तरह की हल्दी है। उस राम नाम से यदि आपको रंग चाहिए, उस राम नाम से यदि आपको कुछ प्रभाव चाहिए तो आपको रगड़ना पड़ेगा। रगड़ना पड़ेगा मतलब आपको कीर्तन करना पड़ेगा। एक धर्मदास संत हुए हैं, उन्होंने लिखा है, राम नाम हरदी गिरह रगड़े तब सरसाए। राम नाम की हल्दी बिना रगड़े काम आने वाली नहीं है, आपके मतलब के नहीं होगी वो। राम तो सबको ही जानता है, हम जितने भी सनातनी हैं हम सबको राम पता है, लेकिन वो राम काम कब आएगा हमारे? जब हम राम का नाम लेंगे, जब राम का कीर्तन करेंगे।
राम नाम हरदि गिरह रगड़े सब सरसाए, धर्मदास रगड़ी बिना ज्यों की त्यों रह जाए। बाबा कबीर भी कहते हैं, कबीर मूरत राम की सब घट रही समाए, जो मेहंदी की पात में लाली लखी ना जाए। मेहंदी का पत्ता हरा होता है और उस हरे पत्ते से लाल रंग कब मिलता है? जब उसको घोटा जाता है, जब उसको रगड़ा जाता है तब उससे। ठीक उसी तरह से राम से भी आपको वो परम राम तत्व कब मिलेगा? जब आप राम नाम को घोटोगे, राम नाम का खूब आप स्मरण करोगे, तब आपको वह लाभ मिलेगा। हमारे यहां शास्त्रों ने लिखा है कि आपका मुख कब पवित्र होता है, आपका हृदय कब पवित्र होता है, आपके हाथ कब पवित्र होते हैं और आपके पांव कब पवित्र होते हैं। इन चार चीजों का वर्णन है, आपके हाथ, आपके पांव, आपका मुख और आपका हृदय। आपके हाथ पवित्र होते हैं पुण्यदान करने से, आपके हाथ पवित्र होते हैं। हाथों की शोभा, ये सोने का कंगन या हीरे का कंगन पहनने से हाथों की शोभा नहीं है। हाथों की शोभा कैसे है? दान करने से। कैसे शोभा है? थोड़ा सब लोग बोल तो दो। दान करने से। चरणों की पवित्र, इन पांवों की पवित्रता कब है? तीर्थों में जाने से, भगवान की परिक्रमा करने से। हृदय की पवित्रता कब है? ब्रह्म ज्ञान से। और मुख की पवित्रता कब है? राम नाम से। मुखम पवित्रम यदि राम नामम, हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, चरणो पवित्रो यदि तीर्थ गमनम, हस्तो पवित्रम यदि पुण्य दानम। ये तबला है ना, आप लोग सब लोग देख रहे हैं तबला। तबला में आवाज आती है, धिक्तान 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 करके तबले में आवाज आती है। मृदंग कहता है धिक्तान धिक्तान धिक्तान। वो किसको धिक्कार करता है? एक शब्द संतों ने उसका अर्थ निकाला, वो तबला कहता है धिक्कार है धिक्कार है। किसको धिक्कार करता है जानते हो? जो भगवान का नाम नहीं लेते हैं उसको ही तबला कहता है, तुम्हारा जीवन। येषां श्रीमद् यशोदा सुदपद कमले नास्ति भक्ति नारायणाम, येषां आभीर कन्या प्रिय गुण कथने नानुरक्ता रक्षसज्ञा, येषां श्री कृष्ण लीला ललित रसकथा सादरो नेव करुणो, धिक्तान धिक्तान धिगेतान कथित सत्तम कीर्तनस्था मृदंगम। वो कीर्तन में बजने वाला मृदंग कहता है, यदि तुम भगवान नाम नहीं लेते हो, यदि तुम राधा नाम नहीं लेते हो, यदि तुम्हारे कानों में भगवान की कथा नहीं जाती है, तो तुम्हारा जीवन बेकार है, तुम्हारा जीवन बेकार है, तुम्हारा जीवन बेकार। धिक्तान धिक्तान धिगेतान कथयति सतम कीर्तनस्था मृदंग। इसलिए राजा, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यो मन श्रोतव्यो कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च शताभय। भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान के भजन में तीन चीजें मुख्य हैं, उन तीन चीजों का ध्यान करते हुए फिर भगवान का भजन करना चाहिए। आप लोग यहां पर जितने लोग बैठे हैं, सभी लोग लगभग लगभग सभी लोग भगवान का भजन जरूर करते होंगे, करते ही हैं सब लोग। युवा वर्ग है, भजन भले ही न करता हो लेकिन सुबह मंदिर में प्रणाम करके तो जाता ही होगा, अपने ऑफिस या काम पर जहाँ भी जाता हूँ प्रणाम करके जाता हूँ। घर की बहुएं हैं वो भी कम से कम कुछ प्रणाम वंदन तो करते होंगे, पूजा करती होंगी। तो भगवान के भजन में मुख्य तीन बातें हैं और इन तीन बातों का ध्यान करते हुए फिर भगवान का भजन करना चाहिए।